बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक फ़्रॉक पड़ी हुई है। ये फ़्रॉक मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं आज अपनी बेटी की फ़्रॉक सिलाई करने लगी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ कि इस फ़्रॉक से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ये मेरी बेटी थी जब 3 माह की, तब की ये फ़्रॉक है, और एक मेरे पास है ये फ़्रॉक, ठीक है, ये साल की है। तो मैं आज हम दोनों आपको इन दोनों का मेजरमेंट लेने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों ने कोई सा भी कागज़ मेरे पास हो, या आप कॉपी रख लें, क्योंकि आपने सिलाई करनी होती है, मुझे तो आइडिया है, ठीक है। एक पेन, चौक, इंची टेप होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी होती है वो हमारी होती है कंधों की, ठीक है। देखिए मैं आपको कंधों की दिखाती हूँ। इंची टेप लेके आपने हाफ इंच इधर से छोड़ना है और हाफ इंच इधर से छोड़ना है, ठीक है। इसको सही तरह से रखना है। देखिए 7.5 इंच और हाफ इंच हमने इन दोनों में गले की जो सिलाई है उसके लिए छोड़ना है, तो हमारी बनगी 8 इंच, ठीक है। 8 इंच हमारे कंधे, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको मेंशन कर लेना है, ठीक है। 8 इंच जो हमारे हैं कंधे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारी, देखिए मेरा जो, मैं जब तक जब से सिलाई कर रही हूँ, मेरा तो यही है कि अगर हमारा ये 8 इंच है ना, तो ये डबल करके अगर हमारा हुआ 4 इंच, ठीक है, ये 4 इंच, ठीक है, 4 इंच है, तो हमारे जो ये होते हैं ना, ये भी हम लोग 4 इंच रखते हैं। अब देखें ये 4 इंच है, जब हमारी यहाँ से कट लगेगा ना, 1 इंच हमारा इसमें एक्स्ट्रा होगा, तो ये 4 इंच है, तो हमने ये भी 4 इंच रखना है, ठीक है। 4 इंच हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लोगों ने रखनी है इसका अपर पार्ट। अपर पार्ट है इसका 6, ठीक है। 6 इंच हमने क्या करना है, हाफ इंच इधर से सिलाई होगी और हाफ इंच इधर से, तो ये होगा 7। आप अपने तरीके से रख लीजिएगा कि आप लोग कितना आपको लगता है कि आप सिलाई में, कुछ लोग ज़्यादा सिलाई में लेते हैं और कुछ लोग कम सिलाई में। मेरा तो ये हाफ हाफ इंच होता है, ठीक है। ये हमारी हो गई अपर पार्ट 7 इंच, ठीक है, अपर। अब हमने लेना है कि हमारा ये जो है इसका जो है चेस्ट, ये देखिए 10 इसकी रेडी है। हम लोगों ने लेना है 10.5 या 11। आप अगर आप लोगों ने खुला पहनाना है इससे, जो भी आप जिसका ले रहे हैं, तो अगर आपकी 10.5 है तो आपको लगता है कि आपके बच्चे को 11 इतना इतना खुला होना चाहिए, तो आपने इसको 12 लेना है, ठीक है। जैसे ये 10 है, ठीक है, आपने हाफ हाफ इंच इधर से रखना है, तो ये 11 हो जाएगा, और आपने बाद में 1 इंच सिलाई के लिए भी रखना है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बच्चों की फ्रॉक की ये चीज़ खुली होती है, यहाँ से हम हाफ इंच कम कर लेते हैं, वो आपको मैं कटिंग में भी दिखाऊँगी। तो ये हमारी हो गई, ठीक है, 11। मैं तो इसको आपको सिर्फ इसका वो बनाऊँगी, जस्ट पैटर्न बताऊँगी, मैं ये सिलाई में रखूँगी, आप अपने हिसाब से 11 हो गई, ठीक है। इसकी जो विड्थ है अब हमने लेना है इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, हाफ इंच हमने इधर से छोड़ना है, हाफ इंच अपने इधर से छोड़ना है। इसका भी वही रूल है, आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये पूरा, तो आप सेम लीजिएगा हाफ हाफ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये छोटा है, आपको इतनी लंबाई चाहिए, तो आपको जितनी लंबाई चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा ही आप लेंगे, क्योंकि आई डोंट नो, ये देखें मुझे नहीं पता वीडियो में आ रही है, होप सो आ रही हो, फिर भी मैं इधर कर लेती हूँ 11। देखिए जैसे भी आपने उससे हाफ इंच ज़्यादा लेनी है, ठीक है। ये होगी हमारी, वैसे इसकी है 9.5, हम लेंगे 11.5, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर। और इसका जो अम्ब्रेला फ्रॉक का ये वाला हिस्सा लेते हैं ना, ये हम इससे लेते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है। ये हमारी हो गई 3 माह और ये हमारी हो गई 11 माह की। अब मैं इसका भी आपको लेने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए 8.5, ठीक है, हाफ हाफ इंच हमने ज़्यादा लिया, तो ये 9.5 इसकी हो गई। अब आप देखिएगा जब हम 9.5 को हाफ करते हैं, ये हमारा 9.5, इसको जब हाफ किया तो ये बन गया जी 5 के अराउंड। अब हमने इसका भी, ये देखें ये 5 होगा, ये देखें वो भी इतना ही बना है, 5 से इधर ये भी इतना, तो ये कंधे उतने ही होते हैं, और ये हमारा 5। इसका अब हम अपर पार्ट करते हैं, ये देखें ये इसका अपर पार्ट है 6। अब मुझे चाहिए 7, हाफ इधर से हाफ इधर से, यह है 12.5, मुझे चाहिए 13.5, हाफ इधर से हाफ इधर से।
अच्छा ये आप हो रहा है, अगर आपने इधर से ये देखिए, जैसे हम इसको इधर से करते हैं ठीक है, मेंड करते हैं और सिलाई करते हैं, अब आपने डिपेंड करना है आपने कितना लेना है। यहाँ से तो हम लेंगे हाफ, लेकिन यहाँ से हो सकता है आप इंच में इसको करें, तो उस हिसाब से आपने लेना है ठीक है। इसका भी हम लोग चेस्ट करते हैं, ये देखें 11 है तो मैं लूँगी 12 ठीक है। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, ये मैं जस्ट आपके लिए एक पैटर्न काट रही हूँ, मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था, मैं आपको अब ये जो हमने लिए है साइज़ इसके हिसाब से मैं आपको काट के दिखाती हूँ। हाँ एक चीज़ आ गई, गला रह गया हम लोगों का, सॉरी ये देखें ठीक है। वैसे ये 4.5 है, हम इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। अब इसकी एक चीज़ और है, हम लोग जब गला काटेंगे तो हम हाफ इंच कम ही रखेंगे, क्योंकि वो सिलाई में आके बड़ा हो जाएगा। ये जैसे ये 4 हैं तो हम इसकी जो विथ है, जब हम लोग इसको ऐसे करके काटेंगे तो 2 होगी ठीक है, 2। अब हम इसको इधर मेंशन करते हैं 2 इंच नेक। अब हम इसकी विथ देखते हैं 1.5 ठीक है। देखिए विथ है इसकी 11 इंच, हमने लिया 11 11 का किया हाफ क्योंकि ये डबल है, तो ये हो गया 5.5। अब मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, आपने खुद देखना है कि आपने विथ सिलाई के साथ ली है, मार्जिन के साथ ली है, मार्जिन के साथ नहीं ली है। अगर तो आपने पूरी पूरी लिया है तो इसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे या 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, अकॉर्डिंग टू यू, आपको खुद ही रखनी है पूरी रखनी है ठीक है। मैं ले रही हूँ 11 इंच, तो अब मैंने ना जो 5.5 से मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया ठीक है, ये हमारा कपड़ा हो गया। इसकी हमने जो अपर की वो है लंबाई, वो 7 इंच है, तो ये देखिए ये हमारा हुआ 7 इंच ठीक है। इतना हम उतार लेंगे इसको, जस्ट आपको पैटर्न बता रही हूँ मैं इसका। अब देखिए इसके जो 8 इंच था हमारे इसके शोल्डर, अब जब हम 8 को हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा, हाफ करने का तरीका ये है ठीक है, जितने भी आ जाए ठीक है, ये बन गया 4। अब इसने 4 रखना है ठीक है, जितना ये हम रखेंगे उतना ही हम लोग ये रखेंगे 4। अब इसकी विड्थ थी 11 इंच ठीक है, ये 11 11 का हाफ कितना हुआ 5.5 के 5.5 ठीक है। अगर आपने इसमें मार्जिन रखना है कि उसको और खुला करना है, तो हम इसको 1/2 इंच मार्जिन दे देंगे। मार्जिन का मतलब है अगर सिलाई के साथ लिया तो सिलाई से 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे, 1/2 इंच ये खुला हो जाएगा। अगर सिलाई के साथ नहीं लिया पूरा, ये 11 है तो 1/2 इंच इसका हम मार्जिन रखेंगे सिलाई का ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पर हमने रखना है 1/2 इंच इधर से लेना है ठीक है। तो इसको हमने अब इसको गुलाई दे देनी है ठीक है, ये हमने गुलाई दे दी। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये था हमने 11, इसका हमेशा एक जो होता है फ्रॉक का, वो हमने यहाँ से कमर से थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर लेना है। यहाँ पे हमने 5.5 लिया, यहाँ पे हमने 5.5, यहाँ पे 5.5 लिया, यहाँ पे 5 लिया, और 1/2 इंच हमने फिर मार्जिन दे दिया ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर तो आप न्यू हैं, जिसने अभी न्यू न्यू सिलाई करना सीखा है, तो आप इसको 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन दीजिएगा, क्योंकि बाज़ूकात सिलाई करने में वो छोटा हो जाता है ठीक है। ये हमारा था 7 7 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा सही कर देती हूँ ठीक है। अच्छा हमारी जो नेक थी वो थी 2, जो इसकी विड्थ थी वो थी 1/2 इंच ठीक है। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच पे लगा दिया, यहाँ पे हमने 2 पे लगा दिया, सॉरी 2 पे और 1/2 इंच
यहाँ पे भी हमने वही करना है, इधर से हाफ पे देनी है। ठीक है, ये देखिए बन गया। यहाँ से ये ले, ये अब फ्रॉक का क्या होता है, फ्रॉक का जो होता है वो ये कि हम लोगों ने यहाँ से इसको हाफ एन इंच ऊपर रखना होता है, ये देखिए। ठीक है, ये पाँच था, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पाँच था, पाँच का हाफ लेना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे हमने इसको निशान लगाना है, ये जो था ये इसको हमने इधर, ठीक है, इधर मिलाना है। इसका क्या फ़ायदा है, जब फ्रॉक होगी ना, जब अम्ब्रेला फ्रॉक है वो अक्सर साइड से लटक जाती है, तो इससे आपकी फ्रॉक कभी नहीं लटेगी, लटकेगी। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। अब इसको हम काटते हैं, सॉरी मोबाइल गिर गया था। ठीक है, मेरी कैंची पे ध्यान ना रखना, ये लगने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाफ एन इंच पे जो निशान लगाया था उसको हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग ने इसका गला भी ऐसे काट लेना है। अब देखिए हमारे जो कंधों की शेप है वो हमारी इस तरह होती है, देखिए इस तरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाफ किनार पे यहाँ पे निशान लगाना है, इसको इस तरह कर देना। ठीक है, अब मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई फ्रॉक का अपर पार्ट। अब मैं ये आपको रख के दिखाती हूँ। ये ले, ठीक है, यहाँ पे ये सिलाई होके इसके बराबर, यहाँ पे ये सिलाई होके इसके बराबर, ये मैंने हाफ एन आर, ये मैंने सॉरी हाफ एन आर कह रही हूँ, ये मैंने हाफ इंच, ये देखिए मार्जिन के साथ हाफ इंच ज़्यादा लिया था सिलाई के लिए और हाफ इंच आपके लिए एक्स्ट्रा लिया। ये देखिए पूरा पूरा सिलाई हो गया। आप इसको सिलाई करेंगे ये पूरा होगा। उम्मीद करती हूँ आपके यहाँ से आपने जैसे गुलाई करनी है गुलाई कर सकते हैं। मैं आपको गुलाई करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा गुलाई हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और अपने बच्चों के कपड़े अब आप खुद सिलाई कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।